Hey guys, welcome back to my channel Dawat of India. Today I'll make crab curry Maharashtrian style. Hope you enjoy this video. Ingredients: 1 kilo kekra. Kekre ko maine acche se garam pani mein dho liya hai, namak dal ke. 1/2 teaspoon. अदरक 20 ग्राम, लहसुन की कलियां 12, धनिया के पत्ते 20 ग्राम, नारियल 1 कप, नमक स्वाद अनुसार, सहा जीरा 1/2 टीस्पून, 3 हरी इलायची, 1 बड़ा तेज पत्ता, 12 काली मिर्च, 6 लवंग, 3 दालचीनी, 1 स्टार एनिस, छोटा टुकड़ा जायफल का, 2 सूखी लाल मिर्च, 1/2 टेबल स्पून खसखस के दाने, 1 टेबल स्पून धनिया के दाने, 1 टेबल स्पून सौंफ के दाने, 100 ग्राम प्याज किया हुआ, 150 ग्राम प्याज स्लाइस किया हुआ और 1 छोटा चम्मच फुल लाल मिर्च। 1 पैन में बड़ा सा तेज पत्ता, 6 लवंग, 2 से 3 दालचीनी, 1 स्टार एनिस, 3 छोटी इलायची, 6 ब्लैक पेपरकॉर्न, जायफल का टुकड़ा और शाहजीरा डाल के उसको ड्राई रोस्ट कर लीजिए। थर्टीन सेकेंड के बाद उसमें 2 लाल मिर्च डाल के उसे भून लीजिए और हीट स्लो से मीडियम रखिएगा, हाई पे मत रखिएगा। फिर उसी पैन में धनिया के दाने, सौंफ के दाने अच्छे से भून लीजिए। उसे थोड़ा भूनने के बाद फिर उसमें खसखस के दाने डालिएगा वरना वो जल जाएंगे। सब अच्छे से भून लेने के बाद उसको ठंडा होने के लिए रख दीजिए। खसखस के दाने को ओवन को ऑफ करके दीजिएगा, पैन की हीट में वो ऑफ हो जाएगा वरना वो जल जाएगा। थर्ड कप तेल लिया हुआ है मैंने, यहाँ पे नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल लिया हुआ है। तेल को गरम करके, तेल गरम होने के बाद उसमें 150 ग्राम स्लाइस किया हुआ अनियन डाल दीजिए और उसको अच्छे से फ्राई कर लीजिए। उसको तब तक फ्राई कीजिएगा जब तक उसका रंग थोड़ा सा पिंक कलर का ना हो जाए। अब उसमें डाल दीजिए 20 ग्राम अदरक और उसको अच्छे से मिला के फ्राई कर लीजिए। अब उसमें 12 कलियां लहसुन के, उसको भी डाल के थोड़ी देर भून लीजिए। अब उसमें 1 कप के करीब नारियल डाल लीजिए, यहाँ पे आप खोपड़ा भी डाल सकते हैं, ड्राई जो कोकोनट होता है वो। हाफ टी स्पून उस पर हल्दी डाल दीजिए और उसको अच्छे से भून लीजिए। 1 टी स्पून के करीब मैंने यहाँ पे मिर्ची डाली हुई है, आप जितना मिर्ची खाए उतना ही दीजिएगा,
मैं यहाँ पे ज़्यादा मिर्ची नहीं खाती हूँ इसलिए नहीं दिया। इसको अच्छे से भून लीजिए। तीन चार मिनट के बाद मीडियम हीट पे इसको ऐसे ही भूनने के बाद उसमें धनिया के पत्ते डाल लीजिए। थोड़ा सा बचा के रख दीजिएगा धनिया के पत्ते, वो ऊपर से डालेंगे बाद में। थोड़ा सा नमक दिया है मैंने यहाँ पे, नमक आपके अनुसार ही दीजिएगा, आप जैसे खाते हैं वैसे। अब इसको अच्छे से भून लीजिए। 2-3 मिनट के बाद मीडियम हीट पे भूनिएगा। एक मिक्सिंग जार में केकड़े के छोटे जो पैर होते हैं उसका पेस्ट कर लीजिए। पानी डाल के पेस्ट कीजिएगा, दरदरा पेस्ट होगा। पेस्ट को छन्नी से छान लीजिए। मिक्सिंग जार में भुना हुआ मसाला और जो प्याज और नारियल का भुना हुआ है उसे भी डाल लीजिए ठंडा हो जाने के बाद, और उसको पानी डाल के एक पेस्ट बना लीजिए। पैन को गरम करके उसमें 1/3 कप ऑयल डाल के उसमें चॉप्ड किया हुआ प्याज डाल लीजिए और उसको गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लीजिए। अभी उसमें डाल लीजिए पेस्ट किया हुआ जो मसाला है उसे, और अच्छे से मिला के 2-3 मिनट और उसे भून लीजिए। दो तीन मिनट भूनने के बाद उसमें डाल लीजिए केकड़ा और उसको अच्छे से मिला लीजिए। उसे भी 2-3 मिनट भून लीजिए एक साथ। इसे मीडियम हीट पे रखिएगा। अब केकड़े के पैर का जो जूस है उसे डाल लीजिए और मिक्स कर लीजिए। ये केकड़े के धोने के समय जो एक्सट्रैक्ट निकला तो हुआ था वो है। अब इसमें 1 कप पानी डाल लीजिए और उसे उबाल आने के लिए रख दीजिए।
अब उसमें थोड़ा सा नमक मिला लीजिए और उसे अच्छे से मिला लीजिए और उसको ढक के 15 मिनट पे स्लो हीट पे रख दीजिए। स्लो से मीडियम हीट पे रखने के बाद 15 मिनट के बाद तैयार है, और उसे गरम गरम सर्व करिए। ऊपर से धनिया के पत्ते डाल के गार्निश कीजिएगा और गरम गरम चावल के साथ सर्व कीजिए। होप यू गाइस एंजॉय दिस वीडियो। डू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल दावत ऑफ इंडिया। थैंक यू।